डियर क्लास, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वन। क्लास, आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम मैंने पार्ट वन करवाया था, हमने केस किया था जिसमें स्टेप पोटेंशियल के लिए जो केस था कि पार्टिकल्स जो स्टेप पोटेंशियल से आके टकरा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ उनकी वेव्स, यहाँ पे मैं बना देती हूँ कि उनकी वेव्स हैं यहाँ पे। ये एक स्टेप पोटेंशियल है आपके पास विद द पोटेंशियल वी नॉट, और हमारा जो केस था वो यहाँ बन नहीं सकता। इनर्जी फ़िलहाल जो पार्टिकल्स आ रहे थे उनकी इनर्जी ई वाज ग्रेटर देन वी नॉट, ये केस हम कर रहे थे। और इसमें हमने जहाँ पे एंड किया था, मैंने बी ओवर ए एंड सी ओवर ए ये वैल्यूज़ और फार्मूलाज हमने फाइंड कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि हम ये रेशो बी ओवर ए सी ओवर ए कोफिशेंट्स की टर्म्स में ले तो रहे हैं, लेकिन अभी मैंने इन टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये बी ए सी ए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ये बी ओवर ले ए और सी ओवर ए लेना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट था। अगर हम पिछली इक्वेशंस को देखें तो उसमें ए क्या है, कोफिशेंट है इंसिडेंट पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल्स लेफ्ट हैंड साइड से आकर स्ट्राइक करेंगे पोटेंशियल बैरियर के साथ, पोटेंशियल स्टेप के साथ इंसिडेंट पार्टिकल्स, उनकी वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं ए इज़ अ एम्पलीट्यूड ऑफ, यहाँ पे बेटर आप लिख लें, आपको पता हो, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द इंसिडेंट पार्टिकल्स। ये एम्पलीट्यूड होगा उस वेव का जो कि इंसिडेंट पार्टिकल्स की होगी, ठीक है। सिमिलरली बी एम्पलीट्यूड होगा उन पार्टिकल्स की वेव का जो टकरा के वापस चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बी रिफ्लेक्टेड, वो पार्टिकल्स जो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे उनकी वेव का एम्पलीट्यूड बी से रिप्रेजेंट करेंगे। सी क्या है, सी वो पार्टिकल होगा जो कि यहाँ पे आई थिंक के ट्रांसमिशन, सी हमारे पास ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड होगा ट्रांसमिटेड पार्टिकल्स की वेव का। अगर कोई पार्टिकल्स आपके नेक्स्ट रीजन में, अगर ये रीजन वन है ये रीजन टू है, रीजन टू में कोई पार्टिकल्स ट्रांसमिट होते हैं तो उनकी वेव का एम्पलीट्यूड वो हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन डेफिनेशंस को आपने अच्छे तरीके से जहन में रख लेना है, और ताकि उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन बी ओवर ए सी ओवर ये क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अब हमने नेक्स्ट डिफाइन करना है रिफ्लेक्शन कोफिशेंट। व्हाई वी आर डिफाइनिंग रिफ्लेक्शन कोफिशेंट इन द सेंस दैट अब हमें समझ आ जाएगी कि हम रिफ्लेक्शन कोफिशेंट क्या बताएगा हमें। ये मैं रेज कर देती हूँ। देखें, अब हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो है रिफ्लेक्शन कोफिशेंट, रिफ्लेक्शन कोफिशेंट, और अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशेंट आपके पास आ जाएगा पार्टिकल्स, रिफ्लेक्शन कोफिशेंट इंटेंसिटी, इसकी डेफिनेशन देख लें पहले, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। अच्छा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी कि आर क्या है और वाई वी आर टेकिंग आर रिफ्लेक्शन कोफिशेंट्स एंड द रेशियो ऑफ बी ओवर ए एंड सी ओवर ए। अच्छा, मतलब कि अब हमें ये पता चलाना चाहते हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं जो इस स्टेप पोटेंशियल से टकरा कर वापस हो गए हैं, रिफ्लेक्ट हो गए हैं। तो उसके लिए मेरे पास रिफ्लेक्शन कोफिशेंट आर हमें ये बताएगा कि कितने पार्टिकल्स हैं जो रिफ्लेक्ट हुए हैं, और ये कैसे हम ले सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव वेव डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। अब हमें पता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। अगर हम ये चीज़ जहन में रखें तो अभी पीछे हमने एम्पलीट्यूड ये ए बी सी ए उन सब वेव्स के एम्पलीट्यूड मौजूद हैं जो इंसिडेंट हुई, जो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई और जो ट्रांसमिट हो गई, उन सब वेव्स के
एम्पलीट्यूड्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हम आर का फार्मूला ये लिख सकते हैं। अब हम आर को फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं कि आर माइनस बी ओवर ए और बी ओवर ए स्टार। आप देखें कि ये असल में मैंने बी ओवर ए होल स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखा है। अब अगर तो ये असल में यहाँ पे स्टार आपकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है, तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन यहाँ पे आ जाती है तो आप पहले उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे और बाद में आप फिर उसको ये मॉड स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। अब मेरे पास जो फार्मूला है ये हमने, इसमें मेरे पास कोई आयोटा फ़िलहाल मौजूद नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद नहीं हैं, तो मैं ये लिख सकती हूँ डायरेक्ट कि अब मुझे रिफ्लेक्शन कोफिशेंट अगर लेना है तो वो बी ओवर ए का मॉड स्क्वायर होगा। यहाँ पे बी ओवर ए देखें लिखा हुआ है के वन माइनस के टू डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू और ये सारा स्क्वायर, ये आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशेंट आ गया। मतलब ये उन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा जो आपके स्टेप से टकरा कर वापस चले गए। अब आ जाते हैं इसको भी मैं यहाँ पे इस फार्मूले को भी यहाँ पे लिख लेती हूँ, माइनस के वन माइनस के टू के वन प्लस के टू होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और अब हमने फाइंड करना है ट्रांसमिशन। ये आप देख लें रिफ्लेक्शन कोफिशेंट, अब हमने फाइंड करना है ट्रांसमिशन कोफिशेंट। सिमिलरली ट्रांसमिशन कोफिशेंट की अगर आप डेफिनेशन लेंगे तो आपके पास आ जाएगी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, और बाकी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव तो उतनी रहेगी ना, वेव जो आई है इंसिडेंट है वो तो नहीं चेंज होगी, वो आफ्टर स्कैटरिंग या आफ्टर टकराने के बाद कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और कुछ पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ, अगर आप यहाँ पे